हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3 एंड टुडे वी आर डिस्कस टेस्ट 4 डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी बाय 2 के रूल, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 गिवन नंबर में, लास्ट में अगर आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 कोई है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक किया था, गिवन जो नंबर है उन डिजिट का सम अगर हमारे पास सम करने पर अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल। अब नेक्स्ट हम आज डिस्कस करते हैं नंबर 3, डिविजिबिलिटी बाय 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गिवन नंबर हमारे पास 6, 4, 8, इसको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको लास्ट नंबर देखना है, अगर लास्ट नंबर में 4 का डिवाइड जा रहा है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए लास्ट नंबर यहाँ पर 6, 4, 8 में लास्ट नंबर है 48, 4 से डिविजिबल है, सो दैट 648 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो गिवन नंबर है हमारे पास, गिवन नंबर में या तो आपके पास 0 हो लास्ट नंबर में या फिर 5 हो, फॉर एग्जांपल 8, 6, 4, 5। अब देखिए ये गिवन नंबर में लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 5, तो लास्ट में या तो आपके पास 0 हो या 5 हो तो वो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल हो। 8645 गिवन नंबर, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 5, सो जो ये हमारे पास 8645 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और भी आप एग्जांपल चेक कर सकते हो 3, 4, 5, 0। अब देखिए लास्ट में हमारे पास क्या है, नंबर यहाँ पर 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप जो हमारे पास लार्ज नंबर्स होते हैं उनको बिना डिवाइड किए हम इन रूल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि वो गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 का डिविजिबल रूल क्या होगा, लास्ट नंबर में 0 या 5 हो तो गिवन नंबर हमारे पास 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास नंबर 5, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से डिविजिबल रूल क्या होता है, देखिए 6 के जो फैक्टर होते हैं, अगर हम 6 के फैक्टर करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 2 से डिविजिबल 3, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3। इट मीन्स 6 से डिविजिबिलिटी रूल इजी है कि जो गिवन नंबर है हमारे पास उसमें 2 और 3 दोनों के रूल अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों में से अगर एक रूल भी नॉट आ गया तो वो गिवन नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कोई एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं 426। अब देखिए 426 को हम चेक करना चाहते हैं कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो गिवन नंबर में हम 2 का रूल भी यूज करेंगे और 3 का। सबसे पहले हमने 2 के रूल में देखा, लास्ट नंबर हमारे पास 6 आ रहा है और 2 के रूल में क्या होता है, 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो गिवन नंबर 2 से डिविजिबल हो, तो 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं हम, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो गिवन नंबर है अगर उन डिजिट का सम करें हम 4 + 2 + 6, तो सम करने पर जो हमारे पास नंबर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए सम करने पर 12 आए, 12 में 3 का डिवाइड जा सकता है 4 times, इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 और 3 दोनों से ये गिवन नंबर डिविजिबल है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 है डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या रूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 8544 एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए 4 का मैच करता है और 8 का मैच करता है 4 से, 4 का क्या रूल था, लास्ट के 2 नंबर्स में 4 का डिवाइड जाना चाहिए तो वो 4 से डिविजिबल होगा, और
डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या बोलता है, लास्ट के 3 नंबर में 8 का डिवाइड जाना चाहिए, तो वो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब जैसे गिवन नंबर 8544, लास्ट 3 नंबर हमारे पास 544, इसमें 8 का डिवाइड करते हम साइड में 544 8 से 8 6 48 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 6, लास्ट नंबर 4 एज इट इज, 8 8 जा 64, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गए 68, कंप्लीट डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 8, सो दैट द गिवन नंबर, जब लास्ट 3 नंबर को हमने डिवाइड कर लिया तो इसका मतलब ये गिवन नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। नंबर 7 डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से डिविजिबिलिटी रूल सेम मैच करता है 3 से, जो गिवन नंबर हमारे पास था 3 में हम क्या करते थे कि जो डिजिट है हमारे पास गिवन नंबर को उसको सम करते थे, और सम करने पर अगर वो 3 से डिवाइड है तो गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होता था, ऐसे ही 9 में करेंगे, जो गिवन नंबर है हमारे पास उसमें डिजिट का सम करेंगे, अगर सम करने पर वो अगर वो 9 से डिवाइड है तो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे वो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल 2286, अब देखिए 2286 हमें चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2286 गिवन डिजिट का सम करते हैं साइड में हम, 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 6 18, अब गिवन नंबर 18 में 9 का डिवाइड जा रहा है, 9 से डिविजिबल है, सो दैट इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो गिवन नंबर हमारे पास 2286 9 से भी डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से डिविजिबिलिटी रूल इजी होता है, लास्ट नंबर में अगर हमारे पास 0 आ रहा तो गिवन नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, फॉर एग्जांपल 6 और 360, लास्ट में नंबर क्या है यहाँ पर 0, और भी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं 60, लास्ट नंबर हमारे पास 0 है, इट इज डिविजिबल बाय 10, और भी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं 2, 4, 3, 6, 8, 7, 0, तो लास्ट में नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 0, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है नंबर 9 डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 से डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं, जैसे हमारे पास कोई गिवन नंबर है हमारे पास 2783, एक एग्जांपल लेते हैं 2783, इसको जरा ध्यान से देखना, 11 से डिविजिबल रूल क्या होता है, 2783 में देखिए प्लेस वैल्यू इवन नंबर एंड ऑड नंबर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसमें वर्क करेंगे, अब देखिए ये 1, 2, 3, 4 लास्ट डिजिट से काउंट कर लीजिए आप 1, 2, 3, 4, अब इसमें इवन प्लेस वैल्यू कौन सी हमारे पास 8 and 2, देखिए 2 और 4 इवन नंबर होता है तो इवन प्लेस वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास 2 plus 8, उसका हमने सम किया, और माइनस ऑड प्लेस वैल्यू जो डिजिट है हमारे पास 3 plus 7, 7 plus 3, वापस ध्यान देना इवन प्लेस नंबर इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट का अगर हम डिफरेंस करें, डिफरेंस करने पर अगर वो 0 आए या फिर जो गिवन नंबर आए तो वो 11 से डिविजिबल हो, या तो 0 आए या फिर जो भी नंबर आए वो 11 से डिविजिबल हो तो वो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब इस केस में क्या है, देखिए ओड प्लेस डिजिट हमारे पास 3 and 7, उसका हमने सम किया, इवन प्लेस डिजिट 8 plus 2, उसका हमने सम किया, और दोनों को डिफरेंस मतलब माइनस करना है, इवन प्लेस डिजिट एंड ओड प्लेस डिजिट का हम माइनस करने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर जो डिजिट आए वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस केस में देखिए 2 plus 8, 10, 7 plus 3, 10, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 0, या तो 0 आना चाहिए
या फिर कोई गिवन नंबर अगर आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज नहीं।